हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे को जो है वो दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, उनके बीच के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। किस किस के बीच के अंदर? एक तो इथेनॉल के अंदर और एक इथेनोइक एसिड के अंदर। और किस बेसिस पे? एक तो फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उसके बेसिस पे हमारे को जो है इनके अंदर डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया था कि कितने कार्बन होते हैं जब जाकर हम उसको क्या बोलते हैं। जब एक कार्बन होता है तो हम उसको बोलते हैं मेथ, दो कार्बन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एथ, तीन होते हैं तब प्रोप, और चार कार्बन होते हैं तब हम उसको बोलते हैं ब्यूट। अब देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं वो देखो, यहां पर हमारे को क्या बोल रहा है, इथेनॉल, यहां पर ईथ आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे। यहां पर देखो इथ कहां पर है? दो, इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? टू कार्बन्स होंगे। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो कार्बन्स की अगर नंबर्स देखेंगे तो कितने होंगे? टू कार्बन्स होंगे। अब बात करते हैं इथेनॉल, तो यहां पर जब नॉल आता है, ऑल आता है, इसका मतलब यहां के जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? ओ एच होगा। और इथेनोइक एसिड आ रहा है, नोइक, इसका मतलब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? सी डबल ओ एच होगा। तो यहां तक की बात समझ में आती है कि हमारे को जब इथेनॉल बोल रहा है इसका मतलब उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इथेनॉल के अंदर? ओ एच। और जब हमारे को बोल रहा है इथेनोइक एसिड तो ओइक एसिड बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सी डबल ओ एच। ठीक है, मत ये कब बता रहा हूं, जब आपको जो है वो केमिकल फॉर्मूला याद ना रहे तब बता रहा हूं। ठीक है, अब हमारे को बोल रहा है कि इथेनॉल उसके अंदर कितने कार्बन होंगे? टू कार्बन्स होंगे। और हमको ये भी पता है कि भाई कार्बन जब ऐड होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू। तो जब कार्बन अगर टू होंगे तो हमने यहां पर टू रखा तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? फोर और सिक्स, C2H6 हो गया हमारे पास। इसके अंदर हमारे को ऐड करना है किसको? OH को ऐड करना है, तो हमने यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के और OH को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया? C2H5 और OH, ये हो गया C2H5OH। मैं आपको दिखाई देता हूं, ये देखो C2H5OH, ये किसका फॉर्मूला है? ये है इथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? इथेनोइक एसिड की। अब इथेनोइक एसिड है इसका मतलब उसके अंदर भी क्या रहा है? ईथ आ रहा है, इसका मतलब कार्बन्स कितने होंगे? टू होंगे। तो उसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये देखो CH3COOH, यहां पर जब आप काउंट करेंगे तो कार्बन कितना है? वन और टू, और हाइड्रोजन जो है वो थ्री, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सी डब्लो एच हो गया। तो यहां पर कार्बन अगर आप देखेंगे तो यहां पर टू कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या है? ये है इथेनोइक एसिड। तो यहां तक की तो कहानी सिर्फ इतना समझाना था कि भाई इनका जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। इतनी जो मैं आपको इतनी कहानी सुनाया हूं इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको याद कैसे रखना है। ये चीजें आप जो बड़ी क्लासेस के अंदर चले जाओगे तब जाकर आप समझोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारे को डिफरेंशिएट करना है इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को। तो देखो, इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जब आप रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल को रखोगे तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है आपको मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी विद ए प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट ऑर्डर का मतलब है आपको एक अच्छी खासी जो है वो सुगंध इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। वाइल इथेनोइक एसिड है विनेगर लाइक स्मेल। दूसरी तरफ जब देखेंगे इथेनोइक एसिड को तो उसके अंदर जो है वो विनेगर जैसी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। तो पहला डिफरेंस तो हो गया इनका
कि भाई एक तो क्या है, आपको अच्छी खासी सुगंध देखने को मिलेगी, प्लीजेंट ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ जब उसको आप देखोगे तो वो कैसे मिलेगी आपको, विनेगर स्मेल आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड का वो ओनली 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये है कि ये रूम के टेम्परेचर से भी कम है, एंड हेंस इट फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर्स में जब सर्दियों के अंदर जब आप इसको देखोगे तो ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है, ओनली 17 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो इथेनोइक एसिड जो होता है वो जब रिएक्शन करता है किससे, मेटल कार्बोनेट से, या फिर रिएक्शन करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जब इनसे रिएक्शन करता है तो या तो ये सोल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बनाएगा। दूसरी तरफ हम इथेनॉल की बात करें तो ये इनसे रिएक्शन करता ही नहीं है। इथेनॉल जो होता है वो मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उससे रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये तो क्या हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई भाई? इथेनॉल जो होता है वो प्लीजेंट ऑर्डर यानी कि प्लीजेंट जो है आपको सुगंध देखने को मिलती है इसके अंदर, और हमारा जो इथेनोइक एसिड होता है वो विनेगर जैसी जो है वो स्मेल देता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है इथेनोइक एसिड का वो ओनली 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी वजह से जो है सर्दियों के अंदर ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की दोबारा से देखें तो इथेनोइक एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनाता है। जबकि इथेनॉल जो होता है वो मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता ही नहीं है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो देखो। सबसे पहले हमने बात की कि भाई इथेनोइक एसिड जो होता है वो रिएक्शन करता है, जबकि इथेनॉल जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन कैसे होगी? मेटल कार्बोनेट्स होंगे या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे, ये किससे रिएक्शन करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, और क्या क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। सर इसको हम जो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो देखो, CH3COOH, ये किसका फॉर्मूला है? ये है अपने इथेनोइक एसिड का। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है? एक तो सॉल्ट बना रहा है, एक वाटर बना रहा है, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर जो इथेनोइक एसिड जो होता है वो तो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इथेनॉल जो होता है वो इनसे रिएक्शन करता ही नहीं है। ना तो वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, ना वो हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, किसी से भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता है। तो हम अगर अब देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, अगर वो एल्कोहल से हम उसको मिक्स करें तो ये जो है वो किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, उनके बीच के अंदर किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? ये इथेनॉल हो गया। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है। तो इनके बीच के अंदर जो है वो किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको याद रखना है ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि इथेनोइक एसिड जो होता है वो तो मेटल कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है, और सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि इथेनॉल जो होता है वो मेटल कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है किसी भी तरीके के। तो ये हो गए इनकी फिजिकल और केमिकल डिफरेंस बिटवीन द इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। अब एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर,
ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो, कभी कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।